నమస్కార మిత్రి శుభసంధ్యా ఓఎస్ ఎస్ టీ వింశతిక వింశతివర్షస్ విద్యాథిన సార్ తేం కృతే అదే వయమ్ ఎక్క నూతనం అభ్యాసపత్రనీతవంత అద్య వయమస్ కెచన ప్రశ్నానా అభ్యాసం కంత అూల్యాంకనూ అంతే స్వస్య మూల్యాంకనూ కీయన్ ప్రాప్తంత తస్ విషయాతి ప్రారంభం కృతీభ్యాసపత్రం इतनी वैमीद संस्कृत भाषाया महत्व शिक्षण नाम वीडियो निर्मित यदि तत्व न दृष्टान तरी आई बटन मध्ये लिंक अस्त त्रष्टमर् प्रारंभ कूम प्रथम प्रश्न अस्त वर्णस्य उच्चारण स्थानं न कंठ तालु पाद एवं प्रकार चकल्प सन्ति यदि सम्यक उत्तर मात्र बदाम अत्र सम्यक उत्तर भवति पादः इति यतो हि अकुहो विसर्जनीयानम कंठ इति सूत्रमस्ति अर्थात अ आ पुनश्च क वर्गः पुनश्च ह बी विसर्गः एते सम उच्चारणस्थानं स्थानम भवति परवर्ती काले अस्ति दंतः पुनश्च युचु यशानम भवति पुनश्च एवं प्रकारेण तत्र वर्णा उच्चारणस्थु तो पाद क्वर्णस उच्चारण तो ना साम्यकुतर पाद य परववर्ती प्रश्न प्रति गिना शब्द पठन किम अर्थ शब्द मेंठन्य कि प्रश्न अस्त सब्यकुर यदि भव पशा अत्र पठन सदर्भा प्रश्न अस्त अम्यकुतर मौन पठन एक तथा पठन सदर्भे सामेन वादा पठनमस्माक

प्रायतः स्व सस्वरपन सुभाषित अथवा पद्य पद्यशिशण प्रचल किंतु आदर्शवाचनमुवाचनमेंस सस्वरवाचने ग्छतिवर सम्य उतरम होती मौन मौन पठने शब्द परवर्ती प्रश्न अस्त कस उच्चारण प्रयत्न स्वस्थ ईषस्वष्ट बिवृत संबृत यदस्माक वर्ण अस्त तच्चारणस्थन कथम अस्त प्रश्न अस्त सम्यक्तरम यदि अश्याम अतः भवति वर्ण से उच्चारण प्रयत्न होती स्वष्ट अतर भवति कर्ण से उच्चारण स्थान इति परवर्ती प्रश्न प्रति गश्न पशा संस्कृत भाषा शिक्षण से भवति संस्कृत की कि पाठम पुरातन काले इदानीं किया किमर्थं पाठयाम हाँ इदानीं वर्ष किमर्थं पठामः परीक्षा किमर्थ लिखा तत् भिन्न विषय होती है कि पाठन से लक्ष्यम लक्ष्य किमस्त कि एन सी एफ संस्कृत विषय कि छात्राण स्थापय ऐसा भिन्न विषय अस्त अत अर्थोपाजन कर्म नियुक्ति ज्ञात्मक एवं चुवर विकल्प सी सम्यक उत्तर जानते वक्त अर्ती है यदि सम्यक उत्तर पशा सम्मेक उत्तरम अस्ति धर्मार्चनमिति प्रायतः अन्य अन्यस्थानीसु अपि लिखितं भवति

परववर्ती प्रश्न अस्त छंदव्या प्रक्रियाव्यां सूत्रव्या व्याख्यामकव्या व्यवहारिक सम्यक सब्यकुम यदि वाला अतः समीचीनमर एक प्रश्न प्राय पूर्वमें बहुवार आसते अतः समीचीनमर व्यवहारिक व्याण अस्मा ये छंदव्याकरण व्यवहारिक व्या व्यवहारीय व्याकर प्रचल अतः सम्यक साम्यकुत्र व्यवहारिक व्याण म व्याकरणस्य परंपरा अस्ति इंद्र्या चन्द्रा एवं प्रकारणा संति एव तत्र व्यावहारिक व्याकरण छद्म व्याकरण इति उच्यते परवर्ती प्रश्न प्रति गच्छामः उच्चरीता वाणी का भवति परा पश्यन्ति मध्यम वैखरी चत्वार विकल्पा संति एव अस्मिच्छिन्नं उत्तरं जे जा जानित वक्तुं रहन्ति एव यदि अस्मिच्छिन्नं उत्तरं भवति अत्र वैखरी उच्चरित वाणी वैखरी बाणी चतुर्धा प्रथमा अस्त परा द्वितीय पश्यन्ति तृतीया मध्यम चतुर्थी चतुर्थ होती वैखरी परावाणी ब्रह्मरूपा ब्रह्म पश्यन्ति ब्रह्मवाणी अर्थ हृदयाद सृष्टि बवती यदि कि वस्तु वो पशा तत्वस्तुँ दृष्टि अस्माक मनसी यगृता परावाणी इदान भावना तो सृष्टि जाता है हृदया सह वाणी हृदयात सह की तस्य कार्यं भवति पश्यन्ति परवर्ती काले पश्यन्ति पश्य मध्यम मध्यम किं कौती कंठत मुखपर्य आनयती अर्थत ओषपर्य यक्रियातीक्रियादयती मध्यमा यह करोति मध्य कार्य कौती मध्यमा अस्त इधान वैखरी की दा। प्रकटीभूता

परववर्ती प्रश्न प्रति गसर प्रश्न है ये के संस्कृत छात्र सी एत प्रश्न निश्चय दाहसी अशय नास्तव कति महेश्वर सूत्र सी एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश एक विषय न वादी भवंत एक उत्तर स्वयं लिखिम अर्दर्ती प्रश्न प्रति गाँव कीदी विद्या विद्या नवती कीदशी विद्या न विद्या प्रश्न अस्त पुस्तकस्थ लुप्ता विस्मृता अपयुक्ता सम्यक सामरा ये जानते वक्त अर्हती है प्रायदेश प्रश्न अहम पूर्व बहुवार पुष्ठ तथा एक वक्त अर्हं कीदी विद्या नद्या होती साम्यकुतर पुस्तकस्थ है सुभाषित एक पुस्तकस्थ या विद्या कार्यकाले ग्यल काश विद्या किं तनम परीक्षा उपयोगि क्या कहचन सुभाषिता श्लोका अम प्रशय तबंधी अभी स्वतंत्र वीडियो अर्मा तीन एक अभ्यास कुर तुम ते अवश्य वाक्यम शुभाषित परीक्षा मध्य भविष्य अतः सम्यक्तर पुस्तकस्थ विद्या पर् हस्ते ग्ये समत्पन्ने का स विद्या किं तनमें अस्त परवर्ती प्रश्न प्रति ग లిపయ డే స్మృత ఇది అశ్న అదిర్భావే ప్రశ్న అస్తిపయ కతి విధి థ్రివిధ పంచధ సప్త అంతే అది చతుర్ధ ఇది సమీచీనం అంత వదే సమీచీనం ఉత్తరం పంచధ ప్రశ్న ఆసీదే టూ తౌజండ్వెంటే క్షమ్యత్యే క కతి ధర స్మృత ప్రశ్న ఆసీత బహునా తుద్ధత అసీదేవద ముద్రాలిపి శిల్పలిపి सार्वजनीन लिपि कलम लिपि पुनश्च मुरुज लिपि एवं प्रकारेण लिपि पंचधा इति शास्त्रेषु लिखितम् अस्ति एव परवर्ती प्रश्न प्रति गच्छामः शब्द विषयः सरल प्रश्न पर किंचित बोध बोधगम्य भवति चेत् उत्तराणि सर्वे दातुम् अर्हन्ति शब्द कस्य अंशः अस्ति इति प्रश्न अस्ति अत्र विकल्पः सन्ति गद्यस्य पद्यस्य अनुवादस्य व्याकरणस्य ये शब्द रूपम शब्द ये तुक्ते वाला कहाँ वाला राम हरि मुनि इतने कुत्रे आगे चंद इतने प्रश्न आस्ती गद्य क्षेत्रे पद्य क्षेत्रे अनुबादी व्याकरणे आकरणी बहुजना कन्फ्यूज हो बनती कि चिंतती शब्द ग आगे पदेअप शब्द अनुवादेअ भी शब्द आगे अतः सम्यक की कि सा रूपेण बद चिंत यदि यद कदापि तब्यास करतवंत बाये पढ़म अथवा बालको बालक पढ़ व्याकरणपुस्तक पढ़ अतः सब्यकुतर शब्द विषय बोति व्याकर अस्त परवर्ती प्रश्न प्रति गाँव पठनकौशले गृह मार्ग स्मृति गति भावग्रहणीयता उच्चस्वपठन अर्थात पठन पठनकौशले कह मगृी होती प्रश्न अस्त किसी सम्यकूपे उत्तरा वक्त अर्व स्मृति ना तो नाती यही पठनकौशल ना स्मृतिशक्तिवर्धन गति यदि पठती चेहरा भाषा क्षेत्र गतिम्पनो भावग्रहणीयत उच्च पठन उच्च स्वर पठनम् उच्च स्वर कुत्र भवति यदि भावग्रहणीयता ग्रहणियता स्मृति अपि कुत्र वर्धनं भवति यदि अस्माकं विषय अभिगमनं भवति चेत् अपि अस्माकं स्मृति शक्तिमपि भावं इदि वयम स्मरामः यदि जानीमः त्रे अस्माकं स्मृति शक्ति यदि भावं अर्थं यदि वयम जानीमः तेन अपि किं भवति अस्माकं पठनं अतः सम्यक उत्तरम यदि यत्र चिन्ते यमत्र सम्यक उत्तरम भवति भाव ग्रहणियत इति भाव ग्रहणम अथवा भाषा ग्रहणाय सोपान द्वयम् भवति एकं भवति श्रवणम अन्यमेकम् भवति पठनम् किन्तु भाव प्रकाशनाय सोपान द्वयम् भाषणम पुनः लेखनम् अतः भाव ग्रहणाय यत्र सम्यक मार्गक भवति पठन अतः सम्यक उत्तरम मात्र भवति पठन कौशलम इति भाव ग्रहणियता ప్రప సిగ్ర పటనం సిగ్రపటనం కయసస్థති రషనతస్త సిగ్ర ిగర టన గోసపణ యంతరతపటం కరి పటనం లయుత పటనం సిగ్రం సిగ్రం పటనప్ర ిగర ిగ్రం తం పటమ ఎతరయ సమకం ాగ్రణం సయరన ి తరయ ి్త ిగ్ర ిమ ియ పిం సక్ ా अतः शीघ्रातिशीघ्र शिग्रा पठन कठन से अंतर्भुक्त मुखरता पठन अंग से आंसर मुखुरता भागद्वरपठन मौन पठन सश्वरपठने वो शीघ्रातिशीघ्र पढ़ुमु न शक्म अतः कस्म क्षेत्र मौन पठने चलती शीघ्रातिशीघ्र यंत्रवत यंत्रव यथ यंत्र शीघ्र शीघ्र कार्यमस्कथव पठन యంత్రవత్ పఠనం అవవా శీఘ్రాతిశీఘ్రం పఠనం పరవర్తి ప్రశ్న అది నాట్య అభినయన డేస్ దక్షత వికా శిక్షణం నాట్య అభినయద్వారా వం క్షే దక్షత వికా ప్రశ్న అది పఠనం భాషణం శ్రవణం లేఖనం ఇది చింతయామ అమ్యక్తరం పఠనం నాట్య

पठन विकास पठनदक्षतास शिक्षक किंचित अन कक्षासु गी श्रावती यंचि अभिन अंगा प्रदर्शन यद छात्र पाठयती तस्त्रे छात्र पठन दक्षतास परवर्ती प्रश्न पश् पशा मुख्य भाषण डेस् प्रमाणम प्रश्न अस्त बहुवार परीक्षा प्रश्न आसीद विद्या ध्वनी शब्द अर्थ चार विक मुखं भाषण डेस् प्रमाण अतः समीचीनमती मुखं भाषण विद्या प्रमाण की अर्थ यदि विद्या प्रमाण ज्ञानी अस् अथवा सर्व जाति व्यव कथ वक्त शक् मुखे भाषा अस्त अथवा यदि स मुख्य वक्त शक्नो त व्यव ज्ञात यद सह ज्ञानी अस्ती अत सर्वासु परीक्षासु कठिना परीक्षा होती इंटरव्यू साक्षात्कार युद्ध पश्यु या का कठिन परीक्षा अस्त अथवा उच्च उच्चपदवी पर अंतिमा परीक्षा बोति साक्षात्कार पूर्वी प्राचीन काले परीक्षा आसी अथवा शलगापरीक्षा की कंती अस्माक साक्षात्कार अतः आस मुखाषण विद्या प्रमाण एतद चाणक्य से उक्ति यदि कच्चन ज्ञानी अस्ती कथं ज्ञात तो पारयती यदि तस्य मुखे अथवा ज्ञानम ज्ञानमस्त परवर्ती प्रश्न अस्त उच्च पाठ उच्चस्वे अस्क पठनीय अथवा न पठनीय प्रश्न अस्त उच्च पाठ करीय निषिद्ध प्रशस् शोभनीय उच्च यदि वाम कई अस्पम लाभ होच्च पाठन कि यदि कक्षासु शिक्षक प्रवेश यदि उच्च कवल वजती छात्रा रुचि न आग्छति अतः कदचि साद कचिद उच्चारण सन्नीको दीर्घं कौती अनेक छात्रा रुचि आग्छति अतः उच्च पाठ निषि अर्थात उच्चपेण उच्चस्वरण पाठ न पठनीय मौन पठा चेतनवर्धन अतः सामने उतरम उच्च पाठ निषिद परवर्ती प्रश्न अस्त श्वरेण यत् पठ्यते तदकिम् इति प्रश्नः अस्ति ईश्वरेण वयम् यत् पठामः तदकिम् अस्ति पठन कौशल सन्दर्भात प्रश्नः अस्ति सस्वर पठनं मंद पठनं मंद पठनं इति द्वारेत्वं अववतेव अग्रे अस्ति दुरत पठनं इति पठनास्य पठना अंगत्रयम् भवति एकमस्ति मुखरता पुनः च अस्ति मुखरतात् परम् द्वितीयं भवति भावग्रहणियता तृतीयं अस्ति पठन पठनगति इति प्रारंभिक यदस्त मुखरता पठन मुखरता पठनमुक् मुखेन युठन होती तदे मुखरता पठनमी की अर्थात मुखेन किं पठन चलती सस्वर पठन चलती मौन पठन चलती स्वरेण युठन तदे सस्वर पठन अतः सम्यक सब्यक्तर शरपन परवर्ती प्रश्न पशन अक्षर से अककरे येखन प्रचल अशलेख कीदशलेख प्रश्न अस्त प्रतिलेख अनुलेख श्रुतलेख रचनालेख सम्यक साम्यकुत्म जे जानते ते वक्ति अक्षर से अकने लिखित लेखा अख लेखना चुर्धन सुलेख है सुलेख चतुर्धा एक अल्खा प्रतिख शुत अन्ते अस्त रचनालेख अखिल भारतीय स्तरे त्रिलेख पद्धति चलती अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख किंतु उत्कल प्रदेश केवलम चतुर्विध इति वदन्ति यथा अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख रचना लेख इति अतः सम्यक उत्तरम अत्र वयम अनुलेख संदर्भात अस्ति अतः अनुलेख इति सम्यक उत्तरम भवति अक्षरान अनुकरणं कृत्वा लिखति यथा अत्र हम अ इति लिखितवान यहाँ हस्तिपिवती हस्तलिमें कि छात्र उपरी यदिखित तदुन दृष्ट्वा एव लिखन्ति कि सर्वं भवति अनुलेखः प्रतिलेखः प्रतिखा हस्ताक्षर सुंदर हस्ताक्षर पृष्ठं शिक्षक तद् तदिखती तब प्रतिख श्रुतलेख तु विषय जानन्ति अग्रे पशा श्लोक सामत पाद संख्या भवति यदि श्लोक वो पशा श्लोक किये पाद प्रश्न अस्त पंच तय पंच तय चुर षटरम यदिवार पशा अम्यकुतर श्लोक पादान संख्या होती है चु एक सुभाषि श्लोकमुंती सुभाषित वक्त शक्म एक बता विद्या दि विन विनया त्यापात्रता पात्रता धनम आत्मौति धना धर्माततशुकम अतर्गति पादः सन्ति चत्वर पादाः सन्ति अतः श्लोके सामान्यतः पादानां संख्या भवति चत्वार एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अनु पदच्छेदः क्रियते सूत्रे वार्तिके भाष्ये व्याख्याने पदस्य छेदनं कुत्र भवति पदच्छेद कुत्र इति प्रश्नः अस्ति सूत्रे वार्तिके भाष्ये व्याख्याने असमे उत्तरं जे जानति ते वक्तुं अरहन्ति

यण प्रत्यय से आगमन इक् ईक् प्रत्यय स्थने प्रत्यय से आदेश बक् प्रत्यय कमस्ट व्याख्या भवति पदछेदनरेक सृष्टुता कौमी प्रारंभिकूत्र यहाचि एक सूत्रम अभवद व्याख्यानं किमस्ति किमस् प्रत्यय सेण् प्रत्यय से आदेश एक अभवत अस्माकं व्याख्यानं सूत्रंकणचि ईक स्थानीय आदेश बोति बहती व्याख्यानम इधं पदछेद किक् प्रत्यय अर्थ लघुई हर्ष दृघय यतय अर्थात ये प्रकरण यु स्पष्टता पदछेद अग्रेदान पशा परवर्ती प्रश्न अल्पाख्यर सूत्रमित ज्ञातव लिखन प्रणी विशेषतः दृश्यक व्यवहारेसु श्रवणभ्यासे पाठनाभ्यास उच्चारण दोषे अधिकाधिक कुत्र व्यवहार अतिलिखन क्यहारश्या व प्रश्न इति प्रश्न अस्त यदि पशा भवति पठन अभ्यासे लिखन प्रणाली विशेषतः पठन अभ्यास व्रष्टुम पवर्ती प्रश्न अस्तणकौशल प्रक्रिया अंग अस्त अर्थ्रवणकौशल प्रश्न अस्तवशल अंगयनात्मक्रवण उच्च्रवण मंदश्रवण गंभीर यदि गंभीरश्रवण यदिवारवणसंपर्क श्रवण से अंगद चयनात्मकश्रवणम अनमेक सामस्रवण अमीचीन उतर साम चयनात्मकश्रवण य सावण नस्ती है सामश्रवणमें पंचभागेश विभक्ता पर्याप्तश्रवण शांतचीतश्रवण्रश्रवण अनौपचारिक्रवण बाधाहीनश्रवणम तथा चयनात्मकश्रवणम पंचु विभक्ता एक समयमूलक्रवण नूतन संरचनात्मक शदग्रहण संरचनात्मकश्रवण व्याकरणगतश्रवण सन्दर्भवाक्यश्रवण अतवणस अंगद चयनात्मकश्रवण सामश्रवणम परवर्ती प्रश्न प्रति अच्छा आविष्कार पद्धति का एक काम अपरा नाम आविष्कार पद्धति आरोह पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति अवरोह पद्धति परोक्ष पद्धति समीचीन उतर जे जानते वक्त अर्वेषु आरोह पद्धति का अस्त आरोमता में आविष्कार पद्धति आरोह पद्धत्य आविष्कार पद्धति अत्र शिक्षक किमर्थमस्त अक व्याकरण पाठन क्षेत्र प्रयोग होती एक आवश्यकता कवती व्याकरण क्षेत्र प्रारंभिक समय शिक्षक न उक्ता केवलम उदाहरण प्रारंभिक समय संस्थयती उदाहरण कि अतः आरोह पद्धति अने एक नाम अस्ट आविष्कार पद्धति अने एक अभी अस्त अमोनोज्ञाप म मनोविज्ञानी पद्धति क्षम्यता प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड गद्य गद्यशिशणे प्रचल अबरोह पद्धति व्याकरण व्याकरणशिशणे प्रचल अन्य नाम अस्त अमनोवैज्ञापति पद्य पद्यशिशण चलती पुनः तथा तस् प्रश्न से किचित रिपीटेड अस्त आविष्कार पद्धति पद्धतिनाम परिचिता प्रत्यक्ष पद्धति आरोह पद्धति अपरोह पद्धति परोक्ष पर सीती है स्पष्टता पुनः न कौमी अत्ररम आरोह पद्धति परवर्ती प्रश्न पश्यं आरोह पद्धते गुण ऊपर एक कहो पद्धत गुणरूपेण स्वीकार होती अर्थ आरोप पद्धत गुण समीचीन गुणों की शिक्षा दानक सुविधाजनक शिक्षा शिक्षाग्रहणम आनंददायक पाठ्य सपन न समय सापेक्ष मेधा विना छात्र विशेषतः आहरण कुर्यक उत्तरा ये उत्तर जे जानते वक्त अर्दी आरोह पद्धते गुणरूपेण क्रीय आरोह पद्धति शिक्षाग्रहणम आनंददायक एक गुणमस्त सुधाजनक तो उदाहरण संस्थनीय बहुत कष्ट अतः तो शिक्षादान बहुत कष्ट आरोह पद्धति छात्रनायक पाठ्यसमापन स समापन न समयसापेक्ष पाठ्य समाप्त नभएको समय अहुत उदाहरण केवल भन् संस्थाप बहु समय गछति अन्त पाठ्यम्यकूप समयन समाप्दो भवति मेधाविन छात्र आण कुरो ए मिथ्या आरोह पद्धतिरसँग लाभ अम्यकुत आनन्ददायकं भवति परवर्ती प्रश्न अस्ति विद्या किम ददाति उत्तरं विनयम् विनयात् किम स्याति पात्रताम् एतत् कस्य पद्धत्यः क्रमः सुभाषितम् एकत्र अस्ति विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् पात्रता धनं आत्मोति धना धर्म तथा सुखम् एवं कश्यतः सुभाषितम् अस्ति एतस्य सुभाषितस्य पाठन काले शिक्षकः किम करोति एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तर रूपेण पद्धतिम चालेयति कक्षां एतादृशी कक्षा एतादृशी पद्धति कीदश पद्धत अपरना अस् प्रत्यक्षपत पर दंडान्व पद्धत खंडान्वयदत ये जानते ते वक्व अतः साम्यकुतर खंडावय पद्धति खंडावय कित पूर्व अन्वय पद्धति जानती है अन्वय पद्धति पद्यशिशण प्रचल अन्वय पद्धति अन्वय पद्धत अंगदावधति अपर एक अंगान्वय पद्धति दंडान्वयपति अस्ति अत्र अत्र केवलम संपूर्ण भाग कर्ता कर्म इदीना साम्यकूपेण संस्थनमेव गंडन्वयपति खंडावयप्धतिया कि प्रश्नोत्तरूपेण प्रचल अर्थ कठती अतः विद्या की दी अतर उत्तर विनय विद्या उत्तरं भवति पात्रता एवं प्रकारेण यत् पद्धति प्रचलति या कक्षा प्रचल पद्धति परवर्ती प्रश्न अस्त प्रत्यक्ष पद्धत्या किं पदपदार्थों पता विचार अनुभव अभवभाषय्च साक्षात् संबंध होती प्रथमतः प्रधानवाक्य अन्वेषण प्रथमतः शिक्षक छात्रा सामक्षम उदाहरण स्थयती प्रथमतः छात्र नियम से उपस्थन होती यदि पशा चेत अतिम विक आरोह अवरोह पद्धति सी यहां प्रथमतः प्रधानवाक्य अन्वेषण अन्वयप्धत अंश अस्त प्रथमतः शिक्षक छात्रा सामक उदाहरण प्रस्तुति एक आरोह पद्धत अंश अस्त प्रथमतः छात्र पूर्वतः नियम से उपस्थापन एक अवरोह पद्धत अंश अतः सब्यकुमी पशा पदपदार्थो विचार अभिव्यक्तियों अभव असंबंध्य उतक्ष पद्धति या भाषा तया भाषा पाठनीय अर्थ संस्कृत पाठनीय चेस्कद्वार पाठनीय हिंदी भाषा पाठनीय चिंदी हिंदी भाषा एवं पाठनीय पदा अतः अंतिम प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा अतः पदपदार्थ अनुभव अभवभाव मध्य साक्ष संबंध भव अ प्रत्यक्ष पद्धति न प्रचलति परवर्ती प्रश्न अस्ति प्रत्यक्ष एकः गुणः कः बुद्धिमता कुद्धिमता कृते कपयुक्ता अ शिक्षकानां छात्रणां च कृते कठिना भवति सुयोग्य नूतन शिक्षकानां नियमक नियमकम् आवश्यकम् छात्रणां संस्कृतस्य शुद्ध उच्चारण अभ्यासः भवति सम्यक उत्तरे मेद्यत्र पश्यमात्र सम्यक उत्तरं भवति अंतिम विकल्प एव छात्रणां संस्कृतस्य शुद्ध उच्चारण अभ्यास भवति शिक्षक प्रत्यक्ष पद्धत्यं किम करोति एकम एकं वाक्यं संस्कृतेन छात्र तद्वाक्य तो शुंती पुस्तक संस्क पढ़तेन लिखा अनेधतिया किन पद्धत संस्कृत भाषा क्षेत्र ज्ञानवर्धन अतः ते, ते, ते कि शुद्ध उच्चारण तर्धन परवर्ती प्रश्न प्रति गालतृभाष अतिग्रहण होती अतिग्रहण प्रमुखतया श्रवणेन संभाषण लेखन औपचारिक शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थया स्यकुत जानते वक्त अर्तींचि कन्फ्यूजु प्रश्नमे अस्त बातभाषा अतिका अधिक अग्रहण छात्र मतृभाषा अग्रहण कुत कुर प्रश्न अस्त यदि सामकुत्तर पशा अतः सम्यकुर बालांतृभाषा ज्ञान श्रवणद्वार्माकतृभाषा जानकारी शुवा संभाषण भाषण दक्षता वृद्धि संभाषण यदि कूम वो भाषण दक्षता बृद्धि भविमर्तु मतृभाषा जानम प्रारंभिक समय संभव पिता विद्यालय शिक्षक एब्द छात्र कूता श्रुतव कूत ज्ञातवण्वार तबत्युतर श्रवण्व परववर्ती प्रश्न पशा पद्यशिशन प्रमुख अंग अस्त पठन बोध शब्दार्थ बोध सरलार्थ बोध भाव बोध इति समेक उत्तरम जे जा जानति ते वक्तुम रहन्ति एव पद्य शिक्षणस्य प्रमुख अंगकः अस्ति इति समेक उत्तरम यदि अत्र पश्यामः समेक उत्तरं भवति भावा भावार्थ अर्थात गद्य यथा भावं भवति तथेव पद्य भावं न आगच्छति अतः पद्य शिक्षणस्य प्रमुख अंग भवति भाव इति एतदैव आसीत अध्यतना केचन अत्यंत परीक्षा उपयोगिन प्रश्न प्रश्नां प्रस्ना आसा अपि शकुशलमेंटस अभ्यास करतवंत पुनः मिळा अग्रिमसे इतोपि काश्चन नूतनान् प्रश्नान् तावत्पर्यंत विरमा मित्रांनी मित्राणि जयतु भारतं बदौ संस्कृतं वंदे मातर धन्यवाद मित्राणि